आने में सभी लोगों का इस्तेमाल और बाजू के हॉल में बैठी गई है खाने की दावत हम सभी लोग मस्त है क्या बैठ है ऐसा बाबा गल गया नीचे जो लोग खड़े हैं उतार के लिए ऊपर आ रहा है ये जो खड़े हैं ये जो लोग बीच में खड़े हैं आप बैठ जाइए बैठ जाओ वहाँ खड़े मत रहो बैठ जाओ बैठा जाओ औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी और औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सदर आमदार अब्दुल सत्तार साहब और शहर के सदर हमारे माजी आमदार रामदेव पवार साहब इनकी जानिब से कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे जो मुस्लिम भाई है इनको रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और वो आयोजन करने के पीछे मकसद यही है जो कांग्रेस जो आइडियोलॉजी पे खड़ी है जो बंधुत्व सर्वधर्म समभाव और सेकुलर पार्टी होने के नाते हम यही संदेश समाज में देना चाहते कि हमारे शहर के अंदर गए महीना भर के अंदर जो अनबन हुई फसाद हुआ वो हमारे शहर में आगे ना हो इसलिए हमारी भगवान से और अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि हमारे शहर के अंदर ये अमन रहे शांति रहे और बंधुभाव रहे इसी का प्रतीक होने के नाते शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे समाज के लोग एक जगह आकर के इफ्तार पार्टी का रोजा खोलने का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। रमज़ान का महीना चल रहा है, चार दिन पे ईद बची है, वातावरण एक महीने पहले अपना माहौल खराब हुआ है, आप क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं रमज़ान के हमारे जो भाई है मुस्लिम भाई चाहे हिंदू भाई सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ इस रमज़ान महीने की। और आज जो इधर रोजा खुलने का जो कार्यक्रम रखा था वो शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस की तरफ से रखा गया था और उसमें सारे चाहे मुस्लिम भाई रहो चाहे हिंदू भाई रहो सबको हमने बुलाया था। उसका कारण यही है कि औरंगाबाद जो है ये सारे समाज का सारे धर्म के लोग इधर रहते हैं और वो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में भाईचारा रहना चाहिए, इसलिए आज ये इफ्तार का कार्यक्रम रखा था। और ये इफ्तार के कार्यक्रम में सभी लोग हिंदू भी आ गए और हमारे मुस्लिम भाई भी आ गए जो 15 दिन पहले औरंगाबाद में जो दंगल का हादसा हुआ ये हादसा उसके बाद में सबको बुला के फिर से ये नहीं होना चाहिए, शहर में अमन रहना चाहिए, ये शहर सभी लोगों का है, सभी धर्म के लोगों का शहर है और इसके ऊपर रहने का इस शहर में रहने का सबका अधिकार है और इसके वजह से हमने सबको बुला के ये पूरा अमन रहना चाहिए और पूरे लोगों को हमारी शुभकामनाएं देने के लिए आज हमने इधर इफ्तार पार्टी रखी। ओके, थैंक यू।